खाली देख के लग रहा है यार मैं किसी प्रीमियम ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ, जैसे राजधानी या शताब्दी ट्रेनों में दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, चावल ये खा रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया 110 रुपए के हिसाब से? जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का? आप सभी का स्वागत करता हूँ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, और आप सभी को ले जाऊंगा अपने देश की राजधानी यानी न्यू दिल्ली में, क्योंकि जो आज अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 12723 यानी तेलंगाना एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना हफ्ते के सातों दिन हैदराबाद से आप सभी के न्यू दिल्ली के बीच में लेके जाती है। तो चलिए चलते अपनी ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अंदर, जो लगी अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और दोस्तों ये आ चुकी है अपनी ट्रेन सिकंदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और इस ट्रेन की अगर बात करें, ये ट्रेन रोजाना हफ्ते के सातों दिन भाई हैदराबाद डेक्कन से सुबह 6 बजे निकलती है, और ठीक यानी हम लोग अगले सुबह 7:50 पर होंगे अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली। लगभग 1625 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, वो भी भैया 25 घंटे 50 मिनट, मतलब तो अच्छा खासा हाई स्पीड ट्रेन का होने वाला है, और काफ़ी बहुत कम ही होता है, केवल 16 के 16 हॉल्ट है, ज़्यादा हॉल्ट भी। चलिए जो अपनी जर्नी होगी ना वो होगी भाई इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में, और अपना कोच पोजीशन है S3 सीट नंबर 55। पहुँचते अपने सीट के पास, अपना सीट 55। बात ऐसी है ना कि RAC ही है तो इस भाई के साथ शेयर करने पड़ेगा, जैसे होगा वैसे देखेंगे। बाकी चलते हैं, ट्रेन निकलने वाली है। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है कुछ लोगों को लेके, और कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए छोड़ के, क्योंकि बाकी तो मिलने वाले हैं दोबारा। बात ऐसी है ना कि ट्रेन अभी निकली है यहाँ से 15 मिनट लेट, और हाँ, और आप सभी के हमारे साथ भाई साहब पहली मुलाकात है या पहली बार जर्नी में आए हो, तो भैया वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके इस खूबसूरत नज़ारों के साथ जर्नी को इंजॉय करते रहे। इस ट्रेन की बहुत तारीफ सुनी है मैंने इसके फूड्स के लेकर, इसकी जो जर्नी होती है भाई जिस रूट से, एकदम बेहतरीन। चलिए चलते हैं अपने सीट पे, देखते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट अब धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। सिकंदराबाद जस्ट जल्द मिलेंगे। तो चलिए जी देखिए मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मंगा लिया है इडली और बड़ा, इसमें शायद चटनी होगी नारियल के साथ। तो अपने शेयर कर रहे भैया ये सीट, तो भैया कोई बात नहीं, मतलब कोई अच्छा आदमी मिल जाता है तो सीट शेयरिंग करने में अच्छी लगती है, और फूड भी शेयरिंग करेंगे, देखेंगे रिव्यू भी लेते हैं। बट स्पून दे रखा है कटलेरी यार, ठीक ठाक दे रखा है, देखते हैं ट्राई करते चटनी निकालते यार। तो इसकी टेस्ट की बात करते, मैंने ट्राई किया, ये शायद नारियल की चटनी है, ढीली ढीली सी एकदम पानी जैसा है, बट जो वड़े का टेस्ट है बहुत बढ़िया है। लेकिन इडली है ना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक फ्लफी इडली ना हो मुझे मज़ा ही नहीं आता। बाकी आने वाला है, अगर नेक्स्ट स्टेशन अपना पहला वही मिलते हैं। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपनी पहली हॉल्ट यानी 139 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है काजीपेट। अपने टाइम से थोड़ा बहुत लेट यानी तेलंगाना में ही है अभी, और काफ़ी देर तक हम लोग तेलंगाना में चलेंगे। वैसे बात करें इस काजीपेट अगर रेलवे स्टेशन की, स्टेशन को KZJ नंबर है, प्लेटफॉर्म छोटा सा 3, और यहाँ से 60 ओरिजिनेट और 9 ट्रेन में उठते हैं। डेली हॉल्टिंग बात करते 111 यानी 111 ट्रेनों का अच्छा खासा हॉल्ट है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अभी अपने सिकंदराबाद डिवीज़न में है। और बात ऐसा आना है कि आप सभी को इस पूरे ट्रेन जर्नी में किसी भी खाने के लेकर पीने के लेकर मतलब हर चीज़ की सुविधा मिलते रहेगी। मेरे को मन कर रहा भैया केला चिप्स खाने के लिए, बट कहीं कुछ स्टॉल ना दिखने के कारण मिल नहीं रहा है, क्योंकि इधर से जाते समय साउथ में, और जब आप इधर अंदर ज़्यादा साउथ में जाएंगे ना उधर हर स्टेशन पर आपको मिल जाएगा, लेकिन छोटा सा ही हॉल्ट होता है। बात ऐसी है कि जो भी ट्रेन की सीटें खाली थी वो भर जाएंगी, और हमारे साथ को पैसेंजर भी जिनका फुल सीट है वो आ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने ट्रेन के अंदर, काहे से कि अभी जर्नी बहुत लंबी है। चलिए जी निकल चुके काजीपेट जंक्शन, और ये इडली बड़ा ये सब मिलते रहेगा। और बात ऐसा है ना, करना है क्या, कर जाइए। हाँ तो भैया बात ऐसा है कि मॉर्निंग की ट्रेन होने के कारण भैया रात को सो नहीं पाया था, और वैसे भी पीछे जो जर्नी करके आया था आप समझ ही गए भाई कौन सी ट्रेन से जर्नी करके आया था, तो दो दिन से वैसे भी नहीं आता, तो रेस्ट कर रहा हूँ। देखो एक दो स्टेशन स्किप करने के बाद कहाँ मिलते हैं, हो सके तो शायद बल्लार साहब में मिलेंगे आपसे। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुके एक और हॉल्ट, मतलब काफ़ी सारे हॉल्ट स्किप करने के बाद। बात ऐसी है भाई मेरे को नींद तगड़ी लग रही थी,
और मैं सो गया तो ऊपर में जाकर वैसे बात कर रहा ना, तो भैया यार ऐसी सीट है तो रात को समझ सकते हो कि क्या नींद आने वाली है। और हम लोग पहुँचे हैं बल्लाड़ शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी हम लोग आ चुके हैं महाराष्ट्र में। तो बोलो जय महाराष्ट्र, क्योंकि भाई महाराष्ट्र एक देश का अलग ही शान है। वैसे बात करना तो इस बल्लाड़ शाह रेलवे स्टेशन की स्टेशन को BPQ नंबर प्लेटफॉर्म 5 और यहाँ से 6 ट्रेन और ये ट्रेन में होती है डेली 148 ट्रेन का हॉल्ट है। सेंट्रल वेदर का अपने नागपुर डिवीजन में आ चुका है, जो कि नागपुर आएगा अपना अगला स्टेशन। वैसे बात करो ना यहाँ पर अच्छा खासा 10 मिनट का हॉल्ट है, तो आप चाहो तो यहाँ पे खाने पीने के लिए ले सकते हो। नहीं भी लेना आना तो फल फ्रूट जरूर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ फल फ्रूट की अवेलेबिलिटी होती है जो आपको चाहिए। खीरा से लेके केला से लेके वाटरमेलन तक आपको मिल जाने वाला इस रेलवे स्टेशन पर। चलिए हम तो 5 रुपये वाला पानी लेंगे जो वेंडिंग मशीन में मिलता है, कहे से कि 15 रुपये का बोतल खरीदने से भी क्या फ़ायदा। भाई साहब 5 रुपये वाला पानी खरीदने के लिए वहाँ से लेके वहाँ तक इतना बड़ा लाइन है, तो समझ सकते हो भैया 5 रुपये लोग एक्स्ट्रा क्यों नहीं देना चाहते हैं, 5 रुपये में बोतल क्यों भरवाना चाहते हैं। कहा ना तो भरवा सकते हो लाइन में लग के, कहा जैसे कि 5 रुपये में बोतल भरेगा तो लाइन तो लगना ही है। चलिए दोस्तों ट्रेन अब तो निकल चुकी है बल्लाड़ शाह, अच्छा खासा टाइम मिल चुका है खाने पीने के लिए, और आने वाली है भैया बेंगलुरु राजधानी। और बात ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर आइएगा तो आप सभी को भैया शेर बाघ बाकी सारे जानवरों का फोटो वोटो दिखते रहेगा। इस प्लेटफॉर्म पर तो उतना नहीं बना है, लेकिन एक साइड में एक नंबर पर आइएगा तो वहाँ दिख जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे एक नेशनल पार्क है जहाँ पे ये सारे चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेगा। तो कभी समय मिले तो घूमने जरूर आइएगा। ये झलक देखिए एक जी भाई, वैसे तो ऑर्डर नहीं दिया था, बाकी अंडा बिरयानी ऐसे ऐसे मिल ही रहा है। हमारा भाई भी थाली भी आ गया, थाली देख के लग रहा है यार मैं किसी प्रीमियम ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ, जैसे राजधानी या शताब्दी ट्रेनों में जिस तरीके से इसको सर्व किया गया है। सर्विंग में लग रहा है कि ये दो पराठा है और इसमें शायद रोटी है, इसमें दाल होगा, सब्जी होगा और चावल होगा, साथ में स्वीट्स और सलाद है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं भाई फर्स्ट इम्प्रेशन ही ऐसा है, तो खाना देखते हैं क्या हालत है इसका। चलिए जी दोस्तों ये रहा देखो अपना खाना, खाने में देख सकते हैं आया है ये कुछ सब्जी है आलू की और लौकी की दाल है जो कि काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा और अच्छा कलर दिख रहा है इसको। चावल दिया है जैसे रेलवे में भाई होना चाहिए, और आपको देखो पराठा दिया है मेरे को 4, ये पकी हुई है और ये है कच्ची। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये जब दिया है तो भाई दिया की है कच्ची जो मैं खा नहीं सकता, देखता हूँ बात करता हूँ उससे। और सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि इसमें मेरे को स्वीट्स दिया गया है अचार के साथ साथ। भाई साहब अगर इसका टेस्ट की बात करें तो टेस्ट तो देखने में अच्छा लग रहा है। भाई साहब खाने में भी दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, चावल हो, सब के सब मस्त है। बस बात ये है ना कि जो 4 रोटी मिली है तो 2 रोटी ऐसे की मिले हैं, अगर ये रिफ़ंड होता है तो रिफ़ंड करवा लेंगे, वरना शायद 2 ही रोटी मिलती होगी। और ओवरऑल थाली की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा मात्र 100 रुपये में। आज तक मेरे को इतना दिन से जर्नी हो गया ना करते हुए 100 रुपये में इस तरह कैसे स्लीपर में खाना तो कभी भी नहीं मिला है। बाकी ओवरऑल भाई बिल्कुल ट्राई करना, रिकमेंड है मेरे तरफ से वेज, और शाम को नॉनवेज ट्राई करेंगे। बाकी मिलते हैं नागपुर में। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है फुल्ली स्पीड में हमारे साथ, मतलब महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर यानी मुंबई और पुणे के बाद हम आ चुके हैं नागपुर में। वही नागपुर जो फेमस है अपनी पूरी दुनिया में भैया संतरों के लिए, पूरी दुनिया में कहीं पूछ लेना नागपुर क्या है तो बता देगा संतरों का खजाना है। जी हाँ, वैसे अगर बात करें इस नागपुर रेलवे स्टेशन की तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आई और फैलावा देखिए यार स्पेस, भाई साहब ट्रेन वहाँ लगी है, स्पेस इतना है कि मैं आपके इधर एकदम खुले में रोशनी में बात कर रहा हूँ। और बात करूँ नागपुर रेलवे स्टेशन की तो स्टेशन कोड NGP नंबर प्लेटफॉर्म 8 और यहाँ से 21 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होते हैं डेली 214 ट्रेनों का अच्छा खासा हॉल्ट है। और ये पड़ता है सेंट्रल रेलवे जोन में, जी हाँ सेंट्रल रेलवे जोन के अपने नागपुर डिवीजन में। और बात करना तो अपनी ट्रेन का अच्छा खासा टाइम है, लेकिन स्पीड तो बहुत अच्छी है ट्रेन की और वेदर के साथ साथ मज़ा आ रहा है। लेकिन बात यह है कि भाई 20 मिनट लेट हो चुकी है, जी हाँ 20 से 22 मिनट लेट हो चुकी है तो ज़्यादा नहीं कहेंगे। और अब करते हैं भाई इस ट्रेन की बात, खूबसूरती यार मज़ा आ रहा है बस मस्त पूछो मत। बात करें ना खाने की, जो हमने खाना ऑर्डर किया था भाई साहब एक नंबर खाना लगा मेरे को, 100 रुपये की थाली मैंने आज तक इतनी अच्छी खाई नहीं थी। जी हाँ ट्रेन के मामले में 100 रुपये का खाना जिस हिसाब से सर्व किया जा रहा है आपको, मुझे नहीं लगता। जो रोटी की बात थी तो भैया ख़राब मिल गया था तो उसे शाम को दूसरा मिल जाएगा। बाकी
आप इसमें खाना जरूर ट्राई कीजिएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना। बिरयानी बिरयानी भाई उसकी हम बात नहीं कर रहे, थाली की। चलिए चलते हैं अपने ट्रेन के पास, निकलने दीजिए उसको। चलिए दोस्तों, अच्छा खासा रुकने के बाद निकल चुकी है ट्रेन अपनी नागपुर से, और ट्रेन अपनी पूरी की पूरी अब फुल हो चुकी है, क्योंकि जितने भी सीटें खाली थे ना वो फुल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेन में एसी वाले लोगों ने वोट किया है, क्योंकि स्लीपर का भाई वहीं से फुल हो गया था। और दूसरी बात बताओ ना, तो मैंने संतरा तो नहीं लिया, लेकिन संतरा वाला मैंने बिस्किट ले लिया, समझ लेंगे संतरा खा लिया। एक संतरा बहुत महंगा दे रहा है 100 रुपये का, इससे बड़े 10 ही रुपये में काम चलाओ ना यार। संतरा तो फिर कभी आएंगे तो खाएंगे। वैसे बात करना तो चलिए आपको डायमंड क्रॉसिंग का थोड़ा बहुत झलक दिखाते हैं। डायमंड क्रॉसिंग से भाई क्रॉस नहीं होंगे लेकिन, और ये रहा अपना भाई साहब कह सकते हो छोटा वाला डायमंड क्रॉसिंग, क्योंकि जो बड़ा वाला डायमंड क्रॉसिंग है ना वो वाइट सी बिल्डिंग दिख रही होगी वहाँ पे, ऐसा कुछ यहाँ से ओवरऑल व्यू मिल जाएगा, पता लगा सकते हो कि वहाँ पर भी ऐसा ही है चारों तरफ से। और मेन वाला वो रहा व्हाइट बिल्डिंग के पास। तो चलिए जी आ गए, ये अपना खाना देख सकते हो, नाइट के लिए काफी अच्छा है, वही दोपहर वाली दाल जो कि दोपहर में तो बहुत अच्छा लगा था। और ये रहा अपना अंडा, दो अंडा मिला है और अच्छी खासी ग्रेवी, चावल दे रखा है और चार पराठे हैं। और इस बार के जो पराठे हैं ना भाई साहब बढ़िया बढ़िया है। सोम पापड़ी केक दे रखा, वही वाला मिठाई और अचार के साथ साथ एक पिकल, मतलब सब मिला लेना तो ओवरऑल मुझे पड़ा है ये 110 का, मतलब 10 रुपये के और एक्स्ट्रा पड़ा है। और साथ में अंडा मिला है, दिन में सब्जी मिली तो भाई साहब टेस्ट की बात करूँ ना तो 110 रुपये के हिसाब से मैंने टेस्ट कर लिया है, एक नंबर है, मतलब खाया जा सकता है। और सामने में भी अपने भैया खा रहे हैं, कैसा लग रहा है भैया 110 रुपये के हिसाब से? मतलब हर बार यार 110 रुपये में ऐसा खाना मिलता नहीं है, तो जब भी आना तो ये ट्राई किया जा सकता है। बाकी कोई ट्रेन से भाई मैं रिक्स नहीं उठाता, बाकी तो ऑनलाइन ही अपना जिंदाबाद है। खाते हैं, मिलते हैं आगे, भोपाल आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, रात के 10 बज चुके और ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है झीलों की नगरी यानी भोपाल के भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जी हाँ। और भी टाइम से भाई साहब अपने करीबन आधे घंटे लेट जी, 10 बज चुका है, 9:30 बजे के आसपास के टाइम था। खाना पीना खाने के बाद तम तो सो ही चुके थे, पर पता चला कि भाई साहब भोपाल पहुँच चुके। और भोपाल रेलवे स्टेशन की बात करें तो भाई साहब यहाँ से भी भीड़ चढ़ने वाली है, मतलब जो अब सीटें कुछ हैं जो सिकंदराबाद से लोग यहाँ उतरे हैं अब वहाँ फिर से भर जाएगा। और भोपाल के बाद स्टेशन को BPL नंबर प्लेटफॉर्म 6 और यहाँ से 20 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 20 ट्रेन इंटरमीडिएट होती है। डेली हॉल्टिंग की बात करूँ तो 213 ट्रेनों का बहुत अच्छा खासा हॉल्ट है। और इस साइड है तो भाई रोशनी रोशनी है, अच्छा खासा है टाइम। अगर आपने इस ट्रेन में अगर अच्छा खाना नहीं खाया तो आप स्टेशन पर भी छोटा मोटा कुछ कुछ चीज़ें खा सकते हो। बाकी उधर लेक तक स्टेशन पर जो वो खाना मिलेगा ट्रेन से अच्छा, क्योंकि इस ट्रेन में भाई स्टेशन से ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो बाकी तो हम तो चलते हैं, खाना पीना खा लिए, शायद हो सके तो अब सो ही जा रहे हैं यार। मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं कहाँ पे। नई दिल्ली तो चलिए जी दोस्तों, एक लंबा सफ़र यानी 25-26 घंटे की दूरी तय करने के बाद हम और हमारी ट्रेन दोनों पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली में। जी हाँ, वैसे अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करो तो भैया जर्नी काफ़ी अच्छा करा, मतलब कम पैसे में अगर अच्छा एक प्रीमियम ट्रेन का सफ़र का जर्नी करना चाहते हो ना तो ये ट्रेन आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें खाना पीना भी मिल ही जाता है। जिस हिसाब से 100 रुपये में आपका लेग पीस बड़ा तो मिलेगा नहीं, वही अच्छा खासा ठीक ठाक खाना था मिल जाएगा, आप सभी प्रेफर कर सकते हो। वॉशरूम भी क्लीन ही रहता है, मतलब साउथ इंडियन का जो ट्रेन होता है ना भाई साहब बढ़िया होता है, लेकिन अपना नॉर्थ इंडियन के लिए ये दुर्व्यवहार क्यों किया जाता मुझे समझ में नहीं आता। बाकी ओवरऑल जर्नी ठीक लगा, अच्छा था, बढ़िया था। आना तो इसी में खाना खाना और बात है ना, कि आप सभी को जर्नी कैसा लगा ये तो बताइए। अच्छा लगा होता इस न्यू दिल्ली से भैया लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ नेक्स्ट जर्नी कौन सी करनी है ये तो बताइए। और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, हमारे साथ भी मिले किसी नेक्स्ट जर्नी में, जब तक के लिए जय हिंद।